गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बेचू पार्सल चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं अभी का जो अभी इसके पहले मैं वीडियो शूट किया था ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे, तो आप उसको जाके प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। और अभी मैं बात करूंगा कमेंट रिप्लाई सेशन का। एक इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट किया मैंने कमेंट रिप्लाई सेशन, तो थोड़ा उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो एक मुद्दा था कि कौन सा चूज करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी चीजें समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज बेहतर होगा कि एक बार आप फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि फॉर्म का नोटिफिकेशन आई होप कि जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा और फिलअप की डेट फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज आप एक बार पूरे चीजों को समझ लें बीएचयू एंट्रेंस के लिए या जो भी एग्जाम्स भी आप फिलअप करेंगे फॉर्म उसका उसके लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो जैसे कि राजीव यादव जी हैं, आयत खान हैं, आकृति तिवारी हैं, राहुल जी हैं, अमन जी हैं और सुजीत जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो मैं इन कुछ खास लोगों को थैंक बोलना चाहूंगा क्योंकि वीडियो के लिए बहुत अप्रिशिएट किए इन लोगों ने, बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं और कांस्टेंट वीडियो देख भी रहे हैं। तो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे पाऊं, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ लोग की इंक्वायरीज है, अब मैं इंक्वायरीज पे बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। और जितने भी लोग हैं, चाहे गोस्वामी सर हैं, चाहे अखिल सर हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं उन लोग, तो प्लीज आप उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। और मेरी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दिए हुए हैं या फिर किसी भी थंबनेल से आप नंबर निकाल के कॉल कर लीजिए मुझे, और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको सहूलियत होगी पढ़ने में, और हम भी कॉपरेट करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे बुक्स हैं, सिंपल पेपर्स हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से इंटरेक्ट हो पाती है। तो मोहम्मद शाह, इनका पूरा नाम कुछ है मैं समझ नहीं पाया, मोहम्मद शाह है, इनका क्वेश्चन है मोहम्मद शाह जी का कि बीएससी प्रिपरेशन कराई जाती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी जो है आपने ये नहीं इंक्लूड किया है कि मैथ का या बायो का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केमिस्ट्री की क्लास है मेरी, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास का क्या है कि ए मैथ हो या बायोलॉजी हो, दोनों में कॉमन आता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके कंटिन्यू वीडियो जा रहे हैं, गोस्वामी सर पढ़ाते हैं, अभी कल ही उनकी 1.5 घंटे की वीडियो गई है, उन्होंने पूरा पेपर ही सॉल्व करा दिया। उसके पहले उनका हाइड्रोकार्बन था, उसके पहले उनका मुझे ठीक से टॉपिक्स याद नहीं, लेकिन उनके पूरे टॉपिक्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए और उनकी वीडियो वॉच कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं। तो आप प्लीज उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से केमिस्ट्री सेक्शन में आप जाके वहां से उनके वीडियो आप देख सकते हैं, और ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर है मुस्कान मंसूरी का कमेंट था, खैर मैंने इनको कमेंट को एक नोट की तरह नोट डाउन किया है, इन्होंने बहुत लिख लिख के ऐसे कुछ लिखा था इन लोगों ने। तो मुस्कान मंसूरी का कमेंट है कि माइनस मार्किंग होता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूटी की अगर बात करें, ठीक है, अभी तक बीएचयू एंट्रेंस जो हुआ है माइनस मार्किंग पे हुआ है, और वो भी कितना, 1/3। अब 2020 का मतलब 2020 का नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन माइनस मार्किंग तो होगा ही। आप एकदम बेफिक्र रहिए कि माइनस मार्किंग आएगा या नहीं आएगा, कोई भी डाउट मत रखिए, माइनस मार्किंग आएगा, वो भी 1/3 का ही आने के चांसेज है, 1/3 आएगा। तो वो भी सभी कोर्सेज में होते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें इंडिया के सभी एग्जाम्स में भी लगभग होते हैं, कुछ एक-आध एग्जामों में छोड़ के। तो माइनस मार्किंग के जो टर्म है क्वेश्चन अच्छा था, और अगर आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए कहीं ना कहीं रिटर्न जरूर होता है माइनस मार्किंग बारे। जैसे ये बीएचयू एंट्रेंस का ही पेपर है, ये बीएससी का है, मैं देखता हूँ यहाँ पे अच्छा गिवेन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे गिवेन है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा, प्रत्येक अनुत्तीर्ण प्रश्न के लिए 0 होगा, मतलब अगर अटेंड नहीं करते तो 0 होगा, और गलत अटेंड करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा, मतलब 3 का है और उसका 1 काटा जाएगा, मतलब 3 का 1/3 भाग, ठीक है। तो 1/3 माइनस मार्किंग होगा। तो मैं बताया ना कि इसका मतलब माइनस मार्किंग होता है, किसी भी जाम में जाइए पेपर के फ्रंट पेज का आपको गिवन मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद है अंशु यादव का, आप सभी टॉपिक को वीडियो बनाइए, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक्स को बहुत जल्दी जल्दी मैं कवर करूं, थोड़ी थोड़ी
मेरे से भी मतलब लेट हो जा रहा है, टॉपिक में पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितनी वीडियो जा रहा है उसको कांस्टेंट देखते रहिए, बने रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो ये भी जो भी आपका इंक्वायरी है मैं इसको फिल करूंगा। फिर है फिर किसका कमेंट है, फिर हाँ स्मृति सिंह का कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है इनका, ठीक है, स्मृति सिंह का कमेंट है। इनका कमेंट ये है कि संस्कृत ऑनर्स के लिए क्या संस्कृत में भी क्वेश्चंस आएगा। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि बीए का पूछ रही है या सोशल का, लेकिन मैं फिर भी दोनों का बात करूं तो इसका पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है। सबसे पहले बता दूं, देखिए जिसको भी पेपर पैटर्न में कंफ्यूजन हो रहा है वो प्लेलिस्ट में जाइए, बीएचयू एंट्रेंस या अबाउट बीएचयू वाला जो वहां पे प्लेलिस्ट होगा उसको क्लिक कीजिए, वहां पे जो वीडियो है उसको आप देखिए, क्योंकि मैंने पूरे पेपर पैटर्न को समझाने की कोशिश की है, चाहे एलएलबी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीए का हो, बीएससी का भी हो, बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो पूरा पेपर पैटर्न, माइनस मार्किंग, मोडा पेपर, क्वेश्चन नंबर, सभी चीजों को समझाने की कोशिश की है, आप वहां से देखिए। तो कॉमन पेपर होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं, 120 होते हैं। ये जो 120 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं होते, मिक्सअप होते, लेकिन संस्कृत से नहीं होते। देखिए होता है क्या, ये मैं बाद में वीडियो डालता हूँ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि काउंसलिंग में क्या होता है, आपको कैसे क्वेश्चंस सॉरी कौन से कोर्स चूज करने हैं, आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, तो रियली मैं बहुत हेल्प करूंगा आपका आगे, कि जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनको कैलकुलेट बोलूंगा और उनको मैं आगे बताऊंगा कि उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आपके इस मार्क्स पे कौन सा अच्छा रहेगा। तो बेहतर होगा कि अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि संस्कृत का कोई लोचा नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, जितने भी वीडियो जा रहे हैं आप उसको कंटिन्यू देखिए, जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट जा रहा है उसको सॉल्व करते रहिए, अभी मैं कुछ चैप्टर्स को भी सॉल्व कराऊंगा उसको आप सॉल्व करते रहिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा अंशु जी ने बोला है तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन सेल्फ से करते रहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वहां जाने के बाद आपको तीन कॉम्बिनेशन मिलता है, एक कॉम्बिनेशन में तीन सब्जेक्ट होते हैं, जो पहला सब्जेक्ट होता है वो आपको ऑनर सब्जेक्ट होता है, तो आप सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो पहला सब्जेक्ट आप संस्कृत चूज कर लीजिएगा और यही क्या होगा विल बी योर ऑनर सब्जेक्ट। तो आगे चलते हैं, फिर है बीएचयू में सीबीएसई और यूपी बोर्ड पे काफी अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा बोर्ड अच्छा होता है। कुछ लोग लगता है कि पढ़ाई भी करते हैं और सोचते भी रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी और यहां पे मैं लिखता हूं सीबीएसई, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सीबीएसई क्या है, एक सेंट्रल बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि सीबीएसई से ही क्वेश्चन बीएचयू उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब मैं यूपी बोर्ड की बात करूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यूपी का जो सिलेबस होता है वो कहीं दूसरे जगह से उठ के आता है, तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि लगभग 90% चीजें इन दोनों की मैच कर जाती है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज और थोड़े से कुछ टॉपिक्स चेंजेस होते हैं, जो कि रिसेंटली अभी यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में चेंजेस लाया है, यूपी बोर्ड ने टोटली सीबीएसई बोर्ड से अपने पैटर्न इंक्लूड करा लिए, मीन्स कोलैप्स करा लिए, तो अब तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जो नए बच्चे उनका कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जो गैप ईयर है या फिर जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड पे मत जाइए, आप टॉपिक्स पे जाइए कि हाँ आपको इंडस वैली सिलेक्शन पढ़ना है, पढ़ रखा है कि नहीं, चाहे यूपी बोर्ड में मिला कभी पढ़ने को, चाहे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कभी मिला पढ़ने को, इससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए कॉम्पिटिशन एक अलग लेवल होता है, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी क्लासरूम आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करा सकता, लेकिन चीजें तो वहीं से निकल के आती हैं, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, यूपी और सीबीएसई में दोनों सेम होते हैं, अगर आप दोनों की बुक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप कंपटीशन तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, टॉप करने की बात अलग है। अब देखिए तो इसमें कंफ्यूज मत, फिर है कि बीएचयू में कितना पैसा लगता है, बीएचयू के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, शिखा पांडे का कमेंट है बीए में लैंग्वेज के बारे में, हाँ तो मैं इनके कमेंट, देखिए पैसा कितना लगता है और बेस्ट बुक कौन सा है, ये पैसा कितना लगता है मैं बाद में बता दूंगा, और ऐसे भी मनोज सर ने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देख लीजिए, और बेस्ट बुक की बात रहेगी तो मैं बोला कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। हाँ, शिखा पांडे जी का जो कमेंट है कि बीए में लैंग्वेज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, आप जो चाहो वहां पे चूज कर सकते हो। अगर ये बात कर रही है कि लास्ट सेक्शन जो होता है, देखिए 120 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज से आते हैं, आप उस लैंग्वेज में हिंदी भी चूज कर सकती हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है।
तो आप वहां पे रिसेंटली ऐसा नहीं कि फॉर्म ही आपको फॉर्म में आपने इंग्लिश अटेंड कर दिया है पेपर लैंग्वेज, तो फिर आप वहां पे इंग्लिश ही चूज, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी चूज करो, आप वहां पे ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ओमआर सीट में अगर आप ओमआर सीट मतलब ऑफलाइन दे रहे हो तब 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 90 से 120 तक हो सकता है आपका हिंदी हो, ठीक है, फिर 120 से आपका 150 तक हो सकता है आपका इंग्लिश हो। अगर आप इंग्लिश अटेंड करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो हमारे सीट में आपको 120 से और 150 के बीच में आपको कलर करना रहेगा। अगर आप हिंदी अटेंड करते हैं हो सकता है कि इंग्लिश पहले हो हिंदी बाद में हो, तो 90 से 120 मिनट में हिंदू सॉरी हिंदी अटेंड करना पड़ेगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, आप जो भी सेक्शन चूज कीजिएगा वो उस कॉलम में कलर होना चाहिए, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया है, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको बेशक कमेंट कीजिएगा, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में और कई सारे वीडियोज के लास्ट और शुरू में नंबर गिवन है, आप उसको कॉल करके, और जो भी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो हमारा क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको अपना कॉम्प्लीट दिखा देता हूँ, तो देखिए ये है, अभी हम लोग ने इसको बड़े पेज में भी निकलवाया है, अभी हमने इसको दिया नहीं है चस्पा कराने के लिए रोडों पे। तो जो भी लोग वन डे एग्जाम्स के लिए भी प्रीफर कर रहे हैं या फिर रेगुलर क्लास करना चाहते हैं वो बेच पार्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी हमने कई सारे टीचर्स को भी हायर कर लिया है तो क्लासरूम अच्छा चल रहा है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करती रहिए और अपना ख्याल कीजिए, ओके, बाय।